झांसी के चौक थाना क्षेत्र के पियरी पुलिस चौकी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौक थाने में तैनात सिपाही शिवम पांडे का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतक शिवम पांडे गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र का मूल निवासी है। साल 2019 में ही शिवम पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। इसके बाद से ही उसकी पोस्टिंग 2019 से चौक थाने में थी। पता चला है कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ किराए पर कमरा लेकर रहता था। गुरुवार की सुबह काफी देर तक शिवम के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई तो मकान मालिक ने रोशनदान से देखा। इस दौरान पता चला कि शिवम फंदे के सहारे लटका हुआ है, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इनको दिक्कत कोई, ये हमारे नाती रहते थे। क्या आपको क्यों आखिर ये इसने ये कदम उठाया, क्यों किया या था, क्या पता चला? ऐसा पता चला तो भैया, जैसे हम आपसे बताए कि कल रात को हमको अच्छे तरह से मिले, सुबह हम उठ के आगे देख रहे हैं तो गाड़ी इनकी खड़ी थी। उसके बाद इनके जो है फुफा फुआ ये आए केवाड़ी तोड़ के अंदर देखे, जब देखे कि मरा तो इनको छोड़ के चले गए। उसके बाद ये खबर लगी कि ये फरफरा आदमी ये मर गए। हाँ, वही शिवम की दादी की माने तो उसके वाराणसी में ही रहने वाले बुआ फूफा से छोटी मोटी कहा सुनी को लेकर विवाद चल रहा था और वही लोग शिवम की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। उनका कहना है कि शिवम के बुआ फूफा ने एक बार उससे 2 लाख रुपए भी मदद के लिए मांगे थे, लेकिन शिवम ने मना कर दिया था। वो हमार पोता हाँ। कहाँ थे पुलिस में से? ये बनारस में रहला है बाबू, हम वो जगहिया का नवा ना जानत हैं जी पुलिस में। तो क्यों आखिर ये कदम उठाए अभी? नौजवान थे, नौजवान थे। वो सब सही है बाबू, इतना वो व्यवहारिक है, इतना सामाजिक लड़का रहला हाँ। कि बुआ के अब 2 लाख रुपया मंगली तो खाली हमसे राय परामर्श होत रहा, कहना है अम्मा जी वो मांग रही हैं तो हम कनी कि तुहार मन का बा, तो कहना कि हम उस सुनले बाड़ी के 42 लाख लोन उठौल हैं घर लेवे के, तो उनके 2 लाख का जरूरत पड़ गए है, लेकिन हम देव ना है। शादी भी आप उनके लड़का की शादी बरछा अभी 30 के रहा है, वही बरछवा में उनकी मम्मी के या बड़ी मम्मी के बोला हमसे तो बातचीत ना रहा। शिवम से उनका फुआ मंगली ई हम अभी उनसे का कहना हम ना जानते, हमसे कहना कि अम्मा हम देव ना है। 6,000 रुपया उनके सास के मोले में खर्चा कर ली, एको पैसा लोग देहलस ना है। हमारे कंधा फूल गल, 8 किलोमीटर हम लाश लेके गए ली, कोनो एहसान ना लोग मानला हम पैसा दे। मन मोटाव 2 साल से खाली पर्सनल हमरे देह रहा है, बाकी सब खुश खास रहा। फिलहाल शिवम के आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिवम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।